स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए बुलाया है। स्विट्जरलैंड से मंगाया है। बड़ी वाली, ये बड़ी वाली फूफू सासू है, दादी तो ठंड उवा का सत्तू बहुत टेस्ट। लोग जो ठंड प्रदेश से आए हैं, हाँ कोई नहीं, जिसका है तुम। हेलो हाय शमी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तब से का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। और शादियों का सीजन फिर शुरू हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे चाचा ससुर जी की तीसरे नंबर की बेटी है, उनकी उसकी शादी है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेहंदी सेरेमनी के लिए। अभी मेहंदी होगा, फिर शाम को संगीत होगा, तो और अभी हम लोग जाएंगे स्वाइन रतन फार्म हाउस। तो चलिए चलते हैं, बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पे सबसे मिलेंगे। एंड सारे सोलह लोग आने वाले हैं, कुछ गांव से आ रहे हैं, कुछ देहरादून वाले, सब वहाँ मिलेंगे हम लोग। एंड जितने भी और ध्यानियाँ भी आएंगी, सब लोग मेहमान भी आएंगे, तो बस बहुत सारा फन होने वाला है अगले नेक्स्ट 2-3 ब्लॉग्स में। एंड ये रहे मेरे हस्बैंड। हेलो शमी, कर दो शमी तो बोल दो। नहीं क्यों हंसते यार, शमनी बोल रहे, शायद शर्माते होंगे, मेरे शर्माते उनकी तरफ से भी शमनी। एंड मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पहुँच कर, एंड दिखाती हूँ आप लोगों को कि नेक्स्ट हमारी देहरादून की वेडिंग सेरेमनी कैसी होती है। ठीक है, ऐसा मौसम का नज़ारा। तो दोस्तों जब तक मैं वहाँ पहुँचती तब तक आप लोग देखिए, जैसे मैंने घर में जब मैं दाल भी हुई थी एंड धोया था, एंड वहाँ पे मैं और हर बुआ सास लोग, मतलब मेरी फूफू सास लोग भी आए हुए थे हमारे घर पे, तो अभी 2 दिन पहले के, और हमने बहुत मजे किए, बहुत अच्छा लगा। अब वो मैं आप लोग को दिखा दूँ, तब तक मैं पहुँचती तब तक आप लोग वो वीडियो देखिए, फिर आप लोग को वेडिंग हॉल में सबसे मिलाऊँगी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों रात भर दाल भिगाए थे हमने, अभी भीग चुके अच्छे से। अब हम इसके छिलके निकालेंगे और इसको अच्छे से धोएंगे, और फिर बनेगी इससे दाल की पकौड़ी। शादी में कैसे स्टेप करना आप दोनों ने, हाथ साड़ी पहन के ऐसा रखना है हाथ, ठीक है। हाँ पूरे शादी में हाथ ऐसे होने चाहिए आप दोनों का, ऐसे वाला साड़ी लेके ना तब। हाँ एक खुला साड़ी और हाथ ऐसे छोड़ना है, ठीक है। एंड दोस्तों बारिश का इतना इंतजार किया था हम लोगों ने, बट 2 दिन पहले तो बारिश आई आई, लेकिन ये अभी फिर बरसने लगी है। बस अब मुझे ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर बरस जाए एंड थोड़ी देर में बस बंद हो जाए, उसके बाद ये अगली विदाई होने तक बारिश ना आए, भगवान जी प्लीज़। बस डर लग रहा है। एंड आप लोग को मैं ये नेल्स दिखा देती हूँ, कल मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था और फर्स्ट टाइम कराया था, और उसके बाद ना नेल एक्सटेंशन कराने के बाद बार बार ऐसा लग रहा है कि हाथों में पता नहीं क्या कुछ चिपक गया होगा, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है कुछ भी काम करने में। एंड देखिए कैसे लग रहे हैं नेल्स, बट एक चीज़ की टेंशन भी हो गई कि बार बार नेल पेंट चेंज करना है एंड लगाना है सब चीज़। और मैंने यार स्वेटर पहना हुआ है और इनर भी डाले हुए पूरा फुल, और शाम को लहंगा पहनना है, एंड संगीत सेरेमनी में मेरा संगीत सेरेमनी में डांस भी करना है, पता नहीं कैसा होगा सब कुछ। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, और लीजिएगा हमारे फिर से एक नई वेडिंग ब्लॉग का मजा, ठीक है। चलिए तो ये है वेडिंग हॉल पूरा,
तो शादियों में सबसे पहला काम होता है पूरी पकौड़ी बनाना, और जिससे हमारे शादियों की शुभारंभ होती है। तो यहाँ पर सारी चाची सास लोग एंड मेरी सासू आटा गूंद रही है पूरी के लिए, एंड चाची लोग पकौड़ी का मैटर मटेरियल तैयार कर रही हैं। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पहुँची तो ये लोग यहाँ पर पकौड़ी डाल रहे थे, जिसे हम तैको बोलते हैं, जो आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में भी देखा ही है। देन यहाँ पे चाची सास लोग काम कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगा लेती, तो मैं सीधे चले गए मेहंदी लगाने के लिए। और अब मैं आप लोग को मिलाती हूँ अपनी दुल्हन से। तो ये है हमारी दुल्हन जिसका नाम है स्वीटी, एंड ये है मेरे चाचा ससुर की सबसे छोटी वाली बेटी, तो इसी की शादी है। एंड अगले 2 दिन तक आपको इसी की शादी के ब्लॉग्स दिखाई देंगे। तो बस चलिए करते हैं शुरुआत। और मेहंदी इतनी सुंदर लगाई थी ना उस मेहंदी वाले भैया ने कि वाह, सच में मुझे लगा कि सच में बहुत ही मेहनत वाला काम होता है मेहंदी लगाना। एंड ये देखिए दुल्हन की मेहंदी कितनी सुंदर लगाई हुई है, इतनी पतली एंड बारीक विद शेड, मतलब कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी मेहंदी, आप लोग भी देखिए और बताना कैसी लग रही है इस दुल्हन की मेहंदी और मेरी मेहंदी भी। तो यहाँ पे फिर दूसरे हाथ में लग रही है, छोड़ दो क्या करना था, जाना पड़ेगा हमसे तो वो निकल ही नहीं रहा कब तक। हमको जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ठंडा है एंड फाइनली मैंने मेहंदी लगा लिया, इसमें मेरे दोनों हाथ बिजी थे, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई एंड अब मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉगिंग। फाइनली मैंने अभी यहाँ पे अपने हाथ सुखाए, ठंड में ना मेहंदी सुखाने का ये दिक्कत होता है। हाँ, इस गैस पर मैंने ऐसे करके अपनी मेहंदी सुखाई है, एंड ये मेरी मेहंदी, एंड ये मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी। मैं आप लोग को सबसे मिलाती हूँ और दिखाती हूँ वेडिंग हॉल एंड ऑल, एंड दुल्हन भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों वेडिंग हॉल के बाहर मैं पहुँच चुकी हूँ और ये है मेरी मेहंदी, और इसकी वजह से मैं अभी तक ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं फिर आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों को सबसे मिलाती हूँ। एंड सबसे पहले मैं आप लोग को मेहंदी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्वारी रतन फार्म हाउस, यहाँ से हम अंदर जाएंगे एंड देखते हैं कौन कौन हमें मिलते हैं आज अंदर जाते ही मेरे ब्लॉग में कौन आता है सबसे पहले, ठीक है। अब हम चलते हैं वेडिंग हॉल के अंदर एंड सबसे पहले मैं आप लोग को मिलाती हूँ अपनी चाची सास से, जिनकी बेटे की शादी है, और ये है मेरे चाचा ससुर जी जिनकी। कौन है? हाँ, मैं बाहर से आ रखी हूँ ब्लॉगिंग के लिए, बुलाया गया मुझे स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए, बुलाया है न्यूजीलैंड से, मंगाया है ये, स्विट्जरलैंड से आई है यहाँ। हाँ, ब्लॉग बनाने के लिए, स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ मैं साई रतन फार्म हाउस में। तो ये चाचा ससुर जी, और पीछे और भी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारे चाचा ताऊ जी लोग हैं जो ठंड का आनंद ले रहे हैं। आप लोग मेहंदी नहीं लगा रहे हो शाम को? कब लगाओगे मेहंदी, शाम को? और नाक काली करनी है। हाँ। अब मैं मिलाती हूँ लेडीज पार्टी से, एंड अब मैं आप लोगों को मिलाती हूँ लेडीज पार्टी से जो यहाँ पे बैठी है, बाकी दुल्हन एंड बाकी लोगों से मैं आपको बाद में मिलाऊंगी, ठीक है। आओ भाई, आप लोग पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? हेलो लेडीज, हाउ आर यू, कैसे हो? ठंडा हो रहा है सबको? कौन सी गपशप चल रही है आप लोग की? बाहर आ रही है, एक चाची सास भी आ चुकी है, दोनों आप लोगों ने मेहंदी लगा दी और यहाँ पे चढ़े गपशप। अब दिखाते हैं जिया, और ये है वेडिंग हॉल, और एक चाची यहाँ पे है तो फोन छेड़ रही है।
आप लोग तैयार हो तो शाम के परफॉर्मेंस के लिए? तैयार है डांस सबका? हैं? ठंड से चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। शाम के प्रोग्राम में दिखाते हैं आप लोग को अब हम। तो दोस्तों हमारी शादी कहीं भी हो, चाहे वो देहरादून में हो, दिल्ली में हो, चाहे गांव में हो, लेकिन जिया तो दो टाइम हमारे यहाँ बनता ही बनता है। ऊपर से इतनी ठंड हो रही थी तो सबको ऐसा हो रहा था कभी जहाँ बनेगा, तो इसलिए हमारी शादियों में जिया तो बस बहुत ही ज़रूरी है। एंड यहाँ पे बस दीदी लोग हमारी जिया बना रही थी एंड फिर ये यहाँ फास्ट फूड लगा हुआ है। ये कौन आए भाई, मेहमान आ गए रास्ते। फोन करना था ना आपने? दोस्तों यहाँ पे मेरी फूफू सासू लोग पहुँच चुके हैं। ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली फूफू सासू है और ये छोटी वाली फूफू सासू है मेरी जो पहुँच चुकी है, और ये दिल्ली वाली चाची भी पहुँच चुकी है। और बस अब शाम को हम लोग धूम मचाने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर में दिखाते हैं आप लोग को हम सबका डांस, ठीक है? नहीं है यहाँ पे अभी संगीत की तैयारी चल रही है और यहाँ पे दो दोस्त लोग यहाँ पे बना रहे हैं, आरती अच्छा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन की बड़ी मामी कर रही है पूजा की तैयारी मन धन से। तो यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है और यहाँ पे संगीत सेरेमनी होगी। ये रहा स्टेज और ये अभी यहाँ पे मेहंदी की तैयारी होगी। और अब मैं आप लोग को एक एक करके दुल्हन के सब रिश्तेदारों से मिलाऊँगी। दुल्हन के मम्मी पापा को तो आप देख ही चुकी हो, ये है दुल्हन की बड़ी मामी एंड जो अभी यहाँ पे बत्ती पूजा आरती की थाली भी सजा रही है एंड बाकी जो छोटी मामी अभी सब संगीत में आएंगे तो आप लोग को मैं सबसे मिलाऊंगी। फिर तब तक हम जाते हैं तैयार होते हैं, ठीक है? बाय। सत्तू जा सत्तू ठंड उवा का सत्तू बहुत टेस्ट लगता मुझे। और यहाँ पे स्पेशल टी सर्व हो रही है आज जा स्पेशल टी छोटी सास। इधर सत्तू, इधर चीनी और इधर हमारे जा पीने वाले लोग। दोस्तों यहाँ पे महिला संगीत शुरू हो चुकी है, बस वो दिन उधर आएगी एंड फिलहाल माता का भजन होगा, उसके बाद महिला संगीत होगी। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं आगे, ठीक है? ये दुल्हन की नानी एंड ये दुल्हन की दादी। वो घुमा रहा आपको अभी। चाची बोल दो, चाची बोल दो, चाची अब नहीं बोला चाची यार। थैंक यू कर दे, जल्दी से कर दे। पकड़ लिया। ये दुल्हन की मौसी।
जय जय Thank you.
ये टीथ कहाँ गए आपके, कहाँ टूटे? आसमान में चली गई। सच्ची? अब आसमान से लेके आना, ठीक है? आप कौन से गाने में डांस करोगे मेरे साथ बताओ? बॉली तो बहुत बड़ी हो गई भाई, बहुत ही बड़ी हो गई हमारी लाली। इतनी बड़ी कैसे हो गई आप? छोटी बहन बड़ी हो गई है ना? आप जो वीडियो बनाते हो वो कैसे भेजते हो? मैं फोन से बनाती हूँ, तीन बार देखती हूँ। बोल मैं आपकी वीडियो तीन बार देख दो, आप थक तो नहीं हो तीन बार देख के? मामी की दीवानी हो? मामी की दीवानी आप हैं? सच्ची में? कितना याद आया पहले आपको मामी का? बहुत। ये बहु ड्यूटीज सर्व करते हुए अब ठीक। अब कैसे चलूं मैं? अब अच्छे अच्छे चलो। खा ले भाई, शर्मा क्यों रही? और ये हमारे नहीं दिख रही, और ये हमारे नए कपल्स पहली पहली शादी अटेंड करते हुए नई नई झाड़ियाँ। हाँ कोई नहीं, जिसका भी तुम दोनों खाओ, कोई बात नहीं। Thank you.
जरूरी है मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी शूट और यहाँ पे कीर्तन। Thank you.
जय जय तो कर दो। ठंड में यहाँ पे आग सेकते हुए हमारे दो चाची सास लोग जो ठंड प्रदेश से आए हैं, नेगवाड़ गांव से आए हैं। बहुत ठंड लग रहा है, दोनों को बहुत ठंड लग रहा है। ठंड से कैसे हो गए यहाँ सब। और यहाँ ओनली थिंग भयंकर। आप इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, मैंने तो पहली बार देखा यार आपको। आप तो हमारी ब्रेव ध्यानी हो भाई। मैंने कहा गाड़ी के अंदर तो कुछ दिखी नहीं रहा, वहां से कहा ड्राइवर की मुंडी मुंडी छोटी थी। आप कुछ रहा तो हमारी ग्रेट ध्यानी की ग्रेट पति भयंकर गाड़ी चला रहे, बगल में बैठ रहे हैं भाई। पूरा पूरा मोटिवेशन है आपको। बस तब जाने लगे हैं सब लोग है? चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो, पीछे लाइन लग रही है। बाय बाय, कल जल्दी आना। बाय 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 बाय। मौसम नहीं है वो। तो चलिए दोस्तों, तो हम घर आ चुके हैं एंड वहाँ पे सब लोग चले गए थे। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग घर आ चुके हैं एंड बहुत ठंडा हो रहा था वहाँ पे क्योंकि मौसम आज ठंडा ही है। एंड बस अब हम इस वक्त यहीं पे एंड करते हैं। ऐसी थी स्वीटी की संगीत सेरेमनी जो आप लोगों ने देखी ली है। एंड आधे लोगों से आपको मिला पाए, आधे से नहीं मिला पाए क्योंकि बहुत हॉटस्पॉट सा हो रहा था वहाँ पे। तो कल फिर हल्दी सेरेमनी है, बाकी से आपको हल्दी सेरेमनी मिलाऊंगी। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट हल्दी सेरेमनी में। एंड बस आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंड ये मेरी मेहंदी, इसका रंग आपको सुबह दिखाऊंगी। ठीक है, गुड नाइट।